सबसे पहले दो चाप लीजिए, उनको बारीक काट लीजिए। उसके बाद दो प्याज लीजिए और एक हरी मिर्च लीजिए। उसके बाद दो टमाटर और थोड़ा सा धनिया। प्याज मोटी काट लें और टमाटर भी मोटे मोटे काट लें। उसके बाद एक हरी मिर्च में ऐड कर लें टमाटर में। मिक्सी में प्याज को पीस लें, बारीक पेस्ट बना लें। उसके बाद आप फिर टमाटर लें जो हमने मोटे मोटे काटे थे, फिर उनका एक फाइन पेस्ट बना लें, जैसे मैंने बनाया ग्रेवी बना ली जैसे टमाटर की। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट एक जगह रख लें और एक कटोरी दही ले लें। ऑयल डालें कढ़ाई में, जीरा डालें 1 चम्मच, और उसमें फिर प्याज का जो पेस्ट था वो मिला दें। वो मिलाने के बाद उसको अच्छे से भूनें ताकि वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, वो कच्चा ना रहे, जब खाते हैं तो कच्चापन ना आए उसमें। उसके बाद उसमें टमाटर वो जो हमने पीसे हैं वो डालें, टमाटर की ग्रेवी, इनको अच्छे से भूनें थोड़ा। और उसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी डालें, उसको मिक्स कर लें। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच आप लाल मिर्च गिर सकते हैं, 1 चम्मच हरा धनिया पिसा हुआ और 1 चम्मच चाट मसाला। इन सबको अच्छे से भून लें, मसालों को बहुत ज़्यादा ना भूनें वरना ये जल जाएंगे। एंड फिर उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद 1 चम्मच घी डालिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें हमारी चाप की रेसिपी में। एंड नमक अपने अकॉर्डिंग आप उसमें मिक्स कर लीजिए, जैसा भी नमक आप खाते हो। उसके बाद उसमें जो 1 चम्मच वो सॉरी 1 कटोरी दही लें और उसको अच्छे से ग्रेवी में भून लें, मतलब उसके लम्ब्स ना रहें। जब वो अच्छे से भुन जाए तो उसके ऊपर खुद ही ऑयल आ जाएगा, और आप फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, उसकी ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाए ताकि। और उसके बाद उसमें जो हमने चाप काटी है अपनी उनको उसमें डाल दें, इनको अच्छे से कवर कर दें मसाले से ताकि उनमें मसाला अंदर तक भर जाए। हल्का सा थोड़ा और पानी डाल सकते हैं क्योंकि वो सूखी हो जाएंगी, तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए। ज़रा सी काली मिर्च डालिए, इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा, और ऊपर से हरा धनिया डालिए तो आपकी जो चाप है उसका कलर एकदम सुंदर सा आएगा। एंड उसको थोड़े 4-5 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए और बस आपकी चाप फिर तैयार है। एंड उसे फिर सर्व कीजिए, सबके साथ खाइए। एंड बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।